लेकिन क्या तुम्हें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि ये भी तिमनासा की कोई चाल हो सकती है? आप कहना क्या चाहती है मस्ती बेरी? हो सकता है कि तिमनासा तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो कि पहले देबू को बचाया जाए या तिमनासा की जान ली जाए या फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज किया जाए। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और इस समय मेरे लिए तिमनासा की जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देबू भैया की जान बचाना और उन जहरीले बॉम्ब को डिफ्यूज करना। ठीक है विवान, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी आगे की योजना क्या है? सिंपल प्लान है, आप लोग धरती पर जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कीजिए और मैं जाकर देबू भैया को फ्री कराता हूँ। चलो परियो। रुको, तुमने जो परियों को काम सौंपा है वो तो ठीक है, लेकिन देबू को बचाने से पहले तुम जाकर उस निशाचर पक्षी को मारो। लेकिन चोरी। लेकिन क्या विवान, सोचो अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और बालवीर के तौर पर तुम्हारा यही असली मकसद है। बालवीर का मकसद मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना बालवीर हूँ। अब बताइए ना आप टिकट जी, मैं बालवीर थोड़ी ना हूँ। और कितना नाटक करोगे तुम देबू? हमें बताए तुम ही बालवीर हो और तुम ही नकाबपोश हो। इसलिए कह रहा हूँ तिमनासा के आने से पहले मिला लो मुझसे हाथ। जब मैं काल लोक का भय राजा बनूंगा तो मैं वीर लोक और पृथ्वी लोक पे कभी हमला नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा। अब हाथ मिलाने के लिए हाथ तो खुलना पड़ेगा। मतलब तुम मान गए कि तुम बालवीर ही हो? तिमनासा से इस दुनिया को आजाद कराने के लिए मैं कुछ भी मानने को तैयार। लेकिन शौर्या आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तिमनासा को मारने के चक्कर में कहीं देबू भैया की जान चली गई तो? मुझे यकीन है कि अगर देबू की यादाश्त बाकी होती तो वो अपनी इच्छा से इस दुनिया के 700 करोड़ जिंदगियों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता। शौर्या किसी बेगुनाह की जान लेकर जीतना ये तो हमारी सोच नहीं है, काल लोक वालों की है। मैंने फैसला कर लिया है कि लड़ाई जीतने के लिए अगर नियम तोड़ने भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। शौर्य बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे हैं, कहीं उसके पीछे कोई हिंट तो नहीं है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? अब सिर्फ 22 पलों का समय बाकी है, इसलिए जाओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, वरना वो विस्फोटक फट जाएंगे और उसमें से निकलने वाली जहरीली हवा पूरी दुनिया के ऊपर घना बादल बनकर छा जाएगी, एक भी प्राणी जिंदा नहीं बचेगा। We'll be right back.
तो कितने इतने आजमाने बंद कर दो। बहरानी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं इस बालवीर की असलियत निकालने निकालते आपके प्राणों को कुछ ना हो जाए। चंदाली, बालवीर, विवान, ये परियां, इनकी एक कमजोरी है, ये अपने दिल से बहुत काम लेते हैं और अपने दिल की सुनने के बाद ही मुझे अच्छे से पता है कि वो यहाँ इसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसका मतलब वो लोग कभी भी आ सकते। मैं कहाँ छुपूँ? नागिनी, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और जाकर विस्फोटकों की रक्षा करो। अरे, नागिनी अकेले के लिए जाएगी, मैं भी चलता हूँ ना। अरे नागिनी, नागिनी और चपताली एक साथ? नहीं नहीं, रुक चपताली, मैं भी आ रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्दी इस देवू का सच सामने आ जाएगा। नहीं, सारे विस्फोटक गोले, इन सबको नष्ट करने का समय नहीं बचा हमारे पास। मुझे लुक-लुक जादू से सबको गायब करना होगा। मैं इन जहरीले गोलों को अभी पानी से नष्ट कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, बिना इजाजत के किसी के बगीचे के फल तोड़ना अच्छी बात होती नहीं है ना मस्ती परी? फिर तुम हमारे इस बगीचे के फल क्यों तोड़ रही हो? भगोड़ी कहीं की? अरे देखो, मैं छोटा सा नंदा सा प्यारा सा तो बांधा बाहू। नन्नी उंगली की कसम पानी परी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बंद करो वरना तुम्हारी जिंदगी का वो बुझा दूंगा। अरे विवान, तुम आ गए। जल्दी से इस बक्से के अंदर उस निशाचर पक्षी को मार दो जिसके अंदर तिमनासा की जान बसी है। मार दो उसे, फिर सारी फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। वैसे विचार बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन बताओ तो जरा कि तुम उस असली निशाचर पक्षी को कैसे ढूंढोगे? क्योंकि दुनिया में तो ऐसे हजारों करोड़ों निशाचर पक्षी हैं। अब बताओ विवान, तुम 15 तलों में कैसे ढूंढोगे उस असली निशाचर पक्षी को? है हिम्मत तुम में? अगर तुमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो इस संसार को तिमनासा की क्रूरता और उसकी बुराई से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बेबू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। नहीं, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जल्दी सोचो तुम्हें क्या करना है।
चाहे शौर्य मेरी शक्तियां ही क्यों ना छीन ले, मैं देवु भैया को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। बचाओ विमान, विमान बचाओ। बचाओ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है देवू। तुम्हारा छोटा भाई पिट रहा है और तुम यहाँ पर लाचार होने का नाटक कर रहे हो। अगर चाहते हो कि वो जिंदा बचे तो आ जाओ अपने असली रूप में। भैमार उसे मार देगा देवू। और उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये छोटा सा बच्चा आखिर कब तक लड़ता रहेगा काललोक के इस योद्धा से? अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है देवू। अपने बालवीर के रूप में आ जाओ। ओटिम्मी आंटी, वहाँ क्या घुसर-पुसर कर रही हो? मुझसे बात करने में डरती हो क्या? इसकी बहुत जबान चलती है भैमार। आज इसके धड़ से इसका सर ही अलग कर दो ताकि ये जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मैं तो सिर्फ हारने का नाटक कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपकी शक्तियाँ सब कुछ नहीं गई है तो आप मुझे जरूर बचा लेंगे। अब तक नकाबपोश नहीं आया इसका मतलब है कि वो इस बालवीर का ही बनाया हुआ नकली किरदार है, इस देवू की तरह। इसका मतलब नकाबपोश देवू भैया नहीं, कोई और है। देवू भैया रस्सियों से बंधे हैं और नकाबपोश दोस्त हो रहा। इसका मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं।
तुम दबा के भागोगे या सर कटा के? जल्दी बोलो, हेड्स या टेल्स? कौन हो तुम? जो बोलना है बोलो। राम, रहीम या रिक? बुराई को हराने में बहुत मिलती है मुझे किक। एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अब नहीं बचेगी कोई चिड़िया। शासक पक्षी के बारे में किसने बताया? हमारे पास उस दोस्त के बारे में जीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये हमारे बारे में पूरा होमवर्क करके आया है। मैंने कहा था ना दिमनासा, अपनी जान पे दाव खेलना बेवकूफी है। करके जीतना। तुमने देवू को तो बचा लिया, लेकिन अपनी दुश्मन को खुला छोड़ दिया। अब आगे देखो कि ये तिमनासा तुम्हें अपने चक्रव्यूह में कैसे फंसाती है। तिमनासा के लेजर का आंसर कैच। थैंक गॉड भैया, आप ठीक है।
अरे थैंक यू, तो उस नकाबपोश को बोलना चाहिए, उसने तो तिम्मी आंटी की घंटी बजा दी। अरे ये नकाबपोश इतनी जल्दी कहाँ चला गया? अगर देवू को ये नकाबपोश नहीं है तो ये नकाबपोश है कौन जो हमारी हेल्प भी करता है लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है? आज नहीं तो कल तुम सबका हिसाब बराबर करूंगी मैं। इतना दिल पे मत लीजिए नागिनी जी, आपके साथ तो ये पहली बार हो रहा है लेकिन हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। परियो, यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में है ना? हाँ विवान, हमने सारे विस्फोटक गोलों को नष्ट कर दिया है और जो लोग मूर्ति बने हुए थे उन्हें भी ठीक कर दिया। लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे आए? देबू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आज तो विवान ने उन कालोक वालों को ऐसे सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और उस नकाबपोश दोस्त ने भी हमारी बहुत मदद की है। वो रॉकेट की तरह आता है और बुलेट ट्रेन की तरह चला भी जाता है। हाँ, लेकिन वो नकाबपोश है कौन और आखिर आता कहाँ से? उसका ही पता चल जाएगा देबू, लेकिन फिलहाल तुम दोनों अभी घर जाओ। चलो विवान। लेकिन ये रास्ता खुल गया ना सर्वकाल मेरे सामने कि वो देबू ना तो बालवीर है और ना ही वो नकाबपोश। कितनी मूर्ख हो तुम तिम्नासा, तुम पर घमंड का नशा ऐसा चढ़ा है कि अपनी हार को भी तुम आधी जीत समझ रही हो। ये मेरी हार नहीं है, जीत है सर्वकाल, क्योंकि वो बड़ा बालवीर जिसकी अब याददाश्त जा चुकी है वो तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात उस छोटे बालवीर की, तो वो तो नौसिखिया है, वो मुझे कैसे मारेगा? इसलिए अब मेरा पूरा ध्यान उस नकाबपोश पे ही तो रहेगा ना। तो ये जीत नहीं तो क्या है? ध्यान लगाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता तिम्नासा? कुछ नहीं कर पाओगी तुम। मैंने जब तुम जैसे सर्वशक्तिशाली सर्वकाल को अपना बंदी बना लिया सर्वकाल, तो नकाबपोश क्या चीज है? बस कुछ वक्त और वो भी तुम्हारी ही तरह इन बेड़ियों में बंधा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो अब मैं तुमसे लूंगी। चोरी की शक्तियां बहुत ले चुकी हो, अब सूद समेत सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें मक्कार तिम्नासा। विवान, तुम अभी भी नकाबपोश के बारे में सोच रहे हो? आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम वैक्यूम तो चला रहे हो लेकिन उसमें पावर ही नहीं है। ओह हाँ भैया, यू आर राइट, मेरा मन सफाई करने में नहीं बल्कि उस नकाबपोश की मिस्ट्री सॉल्व करने में। लेकिन विवान, उसके बारे में इतना क्या सोचना? देखो, वो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलकर चोरी छुपे तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम भी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, फिर दोनों एक ही टीम में हुए ना। लगता तो ऐसा ही है। लगता नहीं है, ऐसा ही है विवान। इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है।
क्या? देखो तिम्नासा के साथ लड़ाई में तुम मुझे अपनी टीम में मत रखो। क्यों? वो क्या है ना, देखो मेरे पास तो शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तिम्नासा से लड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और जब भी तुम्हारी मदद करने को आता हूँ तो उल्टा फंस जाता हूँ, और फिर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाता हूँ तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे बचाते हो। ये सब होने से अच्छा है मैं तुम्हारी टीम में ही ना रहूं, इसलिए मैं तुम्हारी टीम से रिजाइन करता हूँ। आपको याद नहीं है भैया कि आपने इस दुनिया के लोगों की लाइफ ना जाने कितनी बार बचाई है। अब विवान ऐसे चुप मत हो जाओ, देखो अगर तुम नाराज हो जाओगे तो मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा, लेकिन भैया मिस्टेक मेरी ही है। एक्चुअली मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि क्या आपके पास सुपर पावर्स है या नहीं, लेकिन अभी प्रूव हो चुका है कि मैं गलत था, और भारी मनचाही से ही मैं आपकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू विवान। चलो अब ये सब छोड़ो, माँ को भी तो खुश करना है। हाँ मम्मी से याद आया, ये सब साफ सफाई में उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, उन्हें शांत रखने के लिए। मैं अगर रूम क्लीन रखता हूँ ना तो उनका मन शांत रहता है, वो मुझ पे गुस्सा कम करते हैं, इसलिए भैया चलो आप भी शुरू हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ तिम्नासा, क्योंकि बहुत जल्द तुम अपनी ही चिता की राख बनने वाली हो। हाँ। नहीं, ये आवाज नहीं। याद रखो सरकार, जंगल को भस्म करने के लिए सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है, और मैं तो पूरा ज्वालामुखी हूँ। जिंदा रहना है तो औकात में रहना सीखो सर्वकाल। तुम जितनी भी शक्तियां छीन लो मुझसे, लेकिन धरती पर वो छुपी शक्ति तुम्हें बहुत जल्द खत्म कर देगी। उस छुपी शक्ति को ढूंढने के लिए मेरा अगला मोहरा तैयार है। भैया भैया वहां देखो कोई है, चलो चलकर देखते हैं। माँ होगी तो, लेकिन इतनी छोटी। वही तो, मैं खोलकर देखता हूँ। अरे दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो मैं तुम लोगों को चॉकलेट देने आई थी। रियली यू आर ग्रेट दीदी, कौन सी चॉकलेट लाए हो दीदी? वो चॉकलेट के पैसे ही तो लेने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे याद आया कि पैसे तो लिविंग रूम में रखे हैं, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ दीदी ऐसे क्यों घबराई हुई थी, जैसे वो पैसे लेने नहीं बैंक लूटने जा रही हूँ? ऐसा नहीं बोलते। सॉरी सॉरी भैया। चलो इससे पहले कि मम्मी आ जाए हम घर साफ कर देते। चलो चलो। रुमाल तो उतारो। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं, दिन रात काम कर दिया है, इसलिए आपके दोनों बेटों ने सोचा कि घर का बर्तन झाड़ू पोछा खाना ये सब हम करेंगे आज। हाँ, और वैक्यूम भी, वो भी पावर ऑन करके। हाँ। चा, 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 चा। सुन
सॉरी बबी। अरे बटन तो ऑफ कर। सॉरी सॉरी। अरे बोलो नहीं सुनो। ये किस टाइप की हेल्प हुई? हाँ एक बेटा घर में ही कचरा फैला रहा है और दूसरा बेटा अपनी माँ को वैक्यूम क्लीनर से साफ करने वाला था अभी। सॉरी मम्मी। सॉरी लेकिन मैं खुश हूँ इस बात से कि दोनों भाई अपनी माँ की मदद करने की कोशिश तो कर रहे हैं जैसे कि हर बच्चे को करना चाहिए। मतलब मम्मी आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए? मैं और देवू भैया लेट वापस आए। हाँ मैं गुस्सा थी और परेशान भी थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों भाई एक दूसरे की केयर तो कर ही लोगे है ना? वो तो करेंगे ही ना। लेकिन माँ आप इतना सॉफ्ट टोन में बात क्यों कर रही हैं? अपने विमान का कान भी नहीं खींचा आप। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। सॉफ्ट टोन में इसलिए बात कर रही हूँ देवू बेटा कि तुम दोनों भी प्यार से बता दो कि तुम दोनों कहाँ गए थे। ओ हम दुनिया की रक्षा करने गए थे करुणा जी। करुणा जी अरे देव आओ। हैप्पी दिवाली। करुणा जी मतलब वो क्या डर की वजह से रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। माँ माँ और वो दुनिया की रक्षा करने वाली बात कौन सी थी? अब वो क्या है ना मम्मी हम ना चोर पुलिस खेलते खेलते ना बोर हो गए थे इसलिए हमने पलटन के साथ ना एक नया गेम खेलना शुरू किया है। और उस गेम का नाम 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 ये सेव द प्लेनेट। अच्छा ठीक है प्लेनेट सेव कर लिया तुम दोनों ने अब वो कचरे का डब्बा जाके बाहर रखाओ मिस्टर देवू। ठीक एक बार को तो ऐसा लगा जैसे देवू की याददाश्त वापस आ गई है। हे भगवान मेरे देवू को जल्दी से ठीक कर दो। बहरानी आ गई आप कब से प्रतीक्षा कर रहा था? बहरानी एक सवाल पूछूं आपने मुझे यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहा? आखिर कौन सा राज छिपा है इस गुफा में? सच में जानना चाहते हो जबताली? हाँ बहरानी। तो एक काम करो मेरी अनुमति है तुम्हें कि तुम खुद जाकर उस गुफा में देख लो ऐसा क्या है। खुद जाकर देख लो? जैसी आपकी इच्छा। बहरानी ये क्या है? छोड़ने वाले साहब वो भी इतने सारे? बहरानी मुझे डर लग रहा है ये कौन सी लीला दिखा रही है आप? बहरानी साहब बहरानी क्या अब भी कोई सवाल पूछना चाहते हो जगदानी? नहीं नहीं बहरानी मेरी मति मारी गई थी अब तो आप मुझे सीधा खाई में कूदने के लिए भी कहेंगे ना? मैं चुपचाप कूद जाऊंगा लेकिन सांप शक्तिवान। देखो जगदाली इस गुफा के अंदर काल लोक की एक बहुत कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा करना हमारा काम है बस। बालवीर से तो खतरा नहीं रहा अब लेकिन नकाब पोश और छुपी शक्ति को जल्दी ढूंढने के लिए धरती पर मेरे जासूसों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। देवू भैया अगर मम्मी का बस चले ना तो वो आपका एडमिशन मेरी ही क्लास में करवा देंगी ताकि हम दोनों 24 घंटे एक साथ रहें और एक दूसरे की केयर करें। ये बात तो सही है वैसे स्कूल वापस जाने में मजा बहुत आएगा लेकिन
अभी मैं तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने आया, पहले वो कर लेते हैं। हाँ। चलो क्या हुआ चिंटू चेटी? बस में दूसरे बच्चों की सीट छीनने के लिए बॉडीगार्ड भी रख लिए तुमने? ये मोंटू भैया है, हमारे दूर के कजन। ओ नमस्ते मोंटू जी। इनको कम सुनाई देता है क्या? इन्हें ठीक सुनाई देता है, लेकिन ये थोड़ी डीप नेचर के हैं, इसलिए थोड़ा कम बोलते हैं। हमने जब मोंटू भैया को देवू भैया के बारे में बताया था ना, तो उनसे मिलने चले आए। हेलो। मोंटू भैया रोज घी के समोसे खाते हैं, इसलिए उनका हैंडशेक काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या हुआ देबू, हाथ वाथ तो टूट नहीं गया ना? भैया आई एम सॉरी। भैया संभल के। ए बिना रेडी बोले विराट को भी बॉल डालोगे ना, तो वो भी 0 रन पे आउट हो जाएगा। मोंटू भैया अगर इतने हिम्मत है ना, तो देवू भैया से एक और बार हाथ मिलाओ। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो विवा। या हम मिलाओ। मैंने तो अभी सिर्फ हाथ मिलाया है, हाथ दबाना तो बाकी है। इनकी चीख सुन के तो लगता है कि मोंटू भैया नकली घी के समोसे खाते हैं। ए विवान, अरे इस ट्रैक्टर से मेरा हाथ चुरा। चीख मोंटू भैया को। चीजो। चीख चंडी मोंटू भैया को। जोर लगा के। हाईशा। जोर लगा के। हाईशा। अरे मोंटू भैया हुए क्या? हाईशा। भैया मेरी स्कूल बस आने वाली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा। मोंटू भैया उठो। ए देवू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे फिर कभी मिलो। अरे बाद में क्यों, अभी दिखाओ। बेचारे मोंटू भैया, इसे तो खुद बॉडीगार्ड की जरूरत है, अपनी लेस भी नहीं बांध पाता। डोंट इंसल्ट मी। चलो चिंटी चिंटू, मुझे तो लगता है इस देवू को मैजिक करना आता है। अपनी ट्रेजिक हार के लिए मैजिक को क्यों दोष दे रहे हो मोंटू भैया? हाँ, इससे बढ़िया तो आप जिम जाओ और अपने हैंडशेक को और। अब मेरे लिए क्या आदेश है बहरानी? इस समय तुम जो कर रही हो वही करती रहो, विवान की पल पल की खबर मुझे लाकर देती रहो, और बहुत जल्द मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली हूँ। कौन सी जिम्मेदारी? एक छुपी हुई शक्ति को ढूंढना है तुम्हें, एक ऐसी छुपी हुई शक्ति जिसे मैं अभी तक नहीं ढूंढ पा रही। मैं आपको वचन देती हूँ बहरानी, वो छुपी शक्ति चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। यही उम्मीद है तुमसे, अब जाओ और संभल कर रहना।
सर्वकाल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस नकाब पोश के चक्कर में फंसाए रखोगे और मैं उस छुपी हुई शक्ति को भूल जाऊंगी तो तुम गलत हो, क्योंकि तिमनासा कभी कुछ भूलती नहीं है। गया सर्वकाल, मैं तुमसे मिलने। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।